Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine, and healthy. I always pray to God for your good health. I welcome you all in EVS class. Before starting today's class, let us all do the morning prayer. All of you, join your hands and recite the prayer. Students, today we are going to start chapter 5. The name of this chapter is The Journey of Food. In this chapter, we will learn that how does the food travels from the fields to our plate. कि जो farmer है, उसको कितने steps को follow करना पड़ता है crops को grow करने के लिए. So, be ready. Open page 29. Let us do this warm-up activity given on page number 29. Labeling the names of food items which are made with rice, wheat and potato. So first of all, we will recognize which is wheat and rice. Okay? Yes. You have seen it? Of course. In your home, you can see it. This is called wheat. ये गेहूं है बच्चे. This is wheat. And this is, yes, recognize it. Identify, yes, rice. जो आप बच्चे बड़े शौक से खाते हो. These are. And this is potato, yes. So these are the food grains. ये हमारे अनाज हैं जो हमारे farmers खेतों में लगाते हैं बड़ी मेहनत करके. सो दिस इज वेयर इज वीट दिस वन ओके एंड दिस इज यस व्हाट इज राइस एंड दिस आर पोटैटोज. सो आज हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स इनसे बनती हैं और हम उनको लेबल करेंगे. ओके सो किड्स here you can see two food items. This is, what is this? Yes, this is brown bread. और आपको पता है जो brown bread है वो गेहूं से wheat से बनती है. And this is, you like it? Yes, puri. आप खाते हो ना बहुत शौक से. तो puri is also made from wheat flour, गेहूं के आटे से. जो ये वीट है इसको पिसवाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद इसका जो आटा बनता है, फ्लोर बनता है, उसको गूंद के ये चीज़ें बनती हैं.
ओके, दूसरा ग्रेन कौन सा दिखाया था मैंने आपको? राइस। रिकॉग्नाइज इट बच्चे, देखो ये क्या है, यम्मी यम्मी, मीठी मीठी, बहुत टेस्टी। यस, व्हाट इज दिस? दिस इज खीर। और खीर किससे बनी है? क्या डाला मैंने मिल्क के अंदर? राइस। एंड दिस इज, पहचानो जरा बच्चों, खाते हो आप ये? यस, कैन यू रिकॉग्नाइज इट? यस, आई नो यू नो इट। दिस इज पोहा। पोहा भी किससे बनता है बच्चे? चावल से, राइस से। नाउ नेक्स्ट, यू हैव सीन वेजिटेबल पोटैटो। पोटैटो बहुत बच्चे पसंद करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या है ये? दिस इज, रिकॉग्नाइज इट? यस, आलू की सब्जी। तो ये हमने किससे बनाई है? पोटैटो को बॉईल करके। एंड दीज आर यम्मी यम्मी, आप बड़े खाते हो इसको, तो पिकनिक पे जाते हो सबसे पहले मम्मा को यही बोलते हो ना कि हमें बहुत सारे चिप्स ले दो मम्मा, तो ये चिप्स भी पोटैटो चिप्स, ये भी पोटैटो से बने हैं। तो स्टूडेंट्स देखो कितने सारे फूड आइटम्स हैं, आपको तो सिर्फ ये पता है कि हाँ मार्केट में जाते हैं मम्मी खरीद के ले आते हैं, जितना मन करता है खाते हो, वेस्ट भी करते हो कई बार आप, पर नहीं बच्चों, इन फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में मम्मा की तो मेहनत लगती है, पर साथ साथ उस फार्मर को कितना मेहनत करना पड़ता है जो इसे ग्रो करके मार्केट तक लाता है। तो हम इस चैप्टर में बच्चों क्या पढ़ेंगे? हाउ डज दिस फूड कम इन टू योर प्लेट? दीज आर द न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज असेंशियल। असेंशियल, ESSENTIAL, essential. Its meaning is extremely important. मतलब जो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नंबर टू, प्लॉइंग। प्लॉइंग, PLOUGHING। प्लॉइंग means to make the soil loose or turn the soil before sowing seeds, कि बीज लगाने से पहले जब हम मिट्टी को पलटते हैं हल चलाकर। थर्ड इज फरोज। फरोज, FUROWS, फरोज। फरोज क्या होती है बच्चे? अ लाइन इन अ फील्ड दैट इज मेड फॉर प्लांटिंग सीड्स। हल से जो एक रेखा बनाई जाती है मिट्टी की, उसे हम फरोज बोलते हैं। इरिगेशन, नेक्स्ट वर्ड इज इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड, खेतों में पानी देना। जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो उसे पानी की जरूरत होती है ना, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। वीडिंग, WEEDING, वीडिंग। वीडिंग क्या होते हैं बच्चे? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ साथ लग जाते हैं, जो हमें ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि जिन्हें हमने ग्रो नहीं किया। टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम ग्राउंड, तो वीडिंग क्या होता है? उन अनवांटेड प्लांट्स को जब हम ग्राउंड से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। सो यू नो वेरी वेल, फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हम सब जितने लोगों में भी जीवन है, चाहे वो प्लांट्स हैं, आइदर द ह्यूमन बींग्स, ऑल नीड फूड। एंड यू नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स को दूसरे से खाना नहीं लेना है, दे मेक देयर ओन फूड। बट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। पर जो हम लोग हैं या एनिमल्स हैं, वो दूसरी चीज़ों को खा के अपना पेट भरते हैं, क्योंकि वी कांट बी एबल टू मेक आवर ओन फूड लाइक प्लांट्स। एंड जो फूड आप खाते हो, ये नहीं है कि बड़े इजीली आपको अपने घर में जो मिल रहा है, इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो। नो, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी।
food goes on a very long journey before it reaches our table at home. Foods, many food items are there, you know. You eat fruits, vegetables, cereals. Cereals क्या होते हैं बच्चे? अनाज, जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है. All these are cereals. Pulses, pulses means जो दालें आप खाते हो, जैसे अरहर दाल है, मूंग दाल है, these are pulses. Oil seeds, seeds मतलब बीज, वो बीज जिनके अंदर तेल होता है, जैसे mustard seeds हैं, जिसमें सरसों का तेल निकलता है. Oil seeds and spices. Spices means जो गर्म मसाले आपके मामा घर में किचन में यूज करते हैं, लाइक क्लाव, जिंजर, ऑल दीज आर स्पाइसेस. आर ग्रोन बाई फार्मर्स इन देयर फील्ड्स. बच्चे कितने सारे फूड आइटम्स जो मैंने आपको बताई हैं, ऑल दीज आर ग्रोन बाई फार्मर्स. सो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन्स. तो ये नहीं है हम किसी भी क्रॉप को जब दिल चाहे लगा दें. नो, फार्मर को क्या करना पड़ता है? द फार्मर हैज टू बी डिसाइडेड विच क्रॉप कैन ही ग्रो इन विच सीजन. सो दे टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम टू गेट राई. राई कितना? पकना. फसल का जब तैयार होना होता है उसके बाद ही वो काटी जाती है. तो फार्मर क्या करता है, किसान क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले देखता है कि वो किस सीजन की फसल है, किस सीजन में वो क्रॉप को ग्रो कर सकता है. एंड अकॉर्डिंगली द फार्मर प्रिपेयर द सॉयल बाय प्लॉइंग द फील्ड. और उसी के ही अकॉर्डिंग फार्मर को अपने खेतों में सबसे पहले क्या चाहिए किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, क्रॉप को लगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? सॉयल. तो सबसे पहले वो सॉयल को प्लो करता है, तैयार करता है. ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ मैन इज इन हिज फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ एनिमल ही इज प्लोइंग द लैंड. वो हल चला के सॉइल को प्लो कर रहा है, उसको सॉफ्ट कर रहा है. सो फार्मर यूजेज अ प्लो टू डिग फरोज इन विच सीड्स आर सोन एंड ऑफन एनिमल्स आर यूज टू पुल द प्लो. तो क्या कर रहा है फार्मर, इस सॉइल को प्लो करता है, फरोज बनाता है, लंबी सी हल रेखा बनाता है मिट्टी की, जिसके अंदर फार्मर बाद में क्या करता है, सीड को लगाता है, सोइंग करता है. एंड टुडे फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स. यस ऑफ कोर्स, पहले क्या होते थे, सारी जो फार्मिंग होती थी वो एनिमल्स के थ्रू होती थी प्लोइंग के लिए, बट नाउ पीपल आर यूजिंग ट्रैक्टर्स टू मेक द सॉइल सॉफ्ट. आफ्टर द सॉइल इज प्रिपेयर, जब प्लोइंग हो जाती है, सॉइल सॉफ्ट हो जाती है ताकि उसको प्रॉपर एयर मिल सके और सॉइल की फर्टाइल लेयर ऊपर नीचे टर्न हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने हल रेखा बनाई है, जो हमने फरो बनाई है, ये देखो ये फरो होती है जो ऊपर सॉइल की एक लेन बनी होती है, इसमें क्या करते हैं, जो भी प्लांट हमें लगाना है, वी ग्रो दैट सीड इन दीज फरोज एंड इट इज नोन एज सोइंग ऑफ सीड. आफ्टर दैट व्हेन द सीड इज ग्रोन देन वी नीड वाटर. आपको पता है जब भी क्रॉप लगाते हैं हमें पानी तो देना होगा ना इसको, तभी वो प्रॉपर ग्रोथ होगी प्लांट की. सो फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड्स फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. वेल्स से, ट्यूब वेल्स से, अकॉर्डिंग टू द एरिया वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड इरीगेशन. Now, weeding. Weeding क्या है? I already explained you in new word. Some unwanted plants. Unwanted plants क्या है बच्चों? वो कुछ plants जो हम नहीं लगाते crop plants के साथ, but they grow at their own. वो अपने आप वहाँ पर grow हो जाती हैं, उग जाती हैं. तो उन्हें हम बोलते हैं unwanted plants. तो ये unwanted plants क्या करते हैं? जो crop plant होते हैं, उसके भी nutrients को खाना शुरू कर देते हैं, absorb करते हैं. तो इन अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स. तो हमें वीड्स को रोकना बहुत ज़रूरी है. किस लिए? ताकि हमारी जो क्रॉप प्लांट है वो बच सके, उनकी रक्षा हो सके. सो द वीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय पिकिंग देम अप फ्रॉम द
फील्ड्स। तो फार्मर क्या करता है, इन वीड्स को, इन अनवांटेड प्लांट्स को खेतों में से पिक करता है, निकाल देता है, जिससे कि उसकी जो क्रॉप प्लांट है दैट कैन गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ इतना ही नहीं, फार्मर को और बहुत मेहनत करनी है अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। यस, ही स्प्रेस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। आपको पता है हमारी क्रॉप्स में कई बार इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स इसको खराब कर देते हैं। यस, तो फार्मर क्या करता है, उसमें पेस्टिसाइड्स, कुछ रासायनिक खादों का स्प्रे करता है, कुछ वो मैन्योर हैंडमेड जो हम बनाते हैं अपने घर के कचरे से, सामान से, या जो काऊ डंग से मैन्योर जो होती है उसको डाल के सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सोयल को मिनरल से रिच करता है, क्योंकि जिस सोयल में ज़्यादा मिनरल्स होंगे वहाँ पे प्लांट्स भी उतने अच्छे से ग्रो करेंगे। अब देखो हमने स्प्रे भी कर दिया, वाटर भी कर दिया प्लांट्स को, अब नाउ दिस इज द टाइम टू बी गेट रेडी टू कट दैट क्रॉप। तो उसके लिए क्या होगा, तो ये जो क्रॉप्स होती है ये राइपिंग क्या होता है बच्चे, पक जाना, तैयार हो जाना, जो हमने प्लांट्स लगाए हैं जब उसमें दाना आ जाता है तो फार्मर क्या करता है, उस क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, काटता है। उस हार्वेस्ट क्रॉप को कट करने के बाद वो उसको गनी बैग्स में डाल के क्या करेगा, सेल्स देम। उसको कहाँ ले जाएगा, होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट होती है, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे वो कहाँ जाते हैं, होलसेल मार्केट में। और होलसेल मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मंडी, अनाज मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, तो वहीं पे ये सबसे पहले फार्मर्स उस प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं। सो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस आर सोल्ड इन डिफरेंट होलसेल मार्केट्स, एंड होलसेल मार्केट्स आर कॉल्ड मंडीज। नाउ फ्रॉम दीज होलसेल मार्केट्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, वेंडर्स, जो छोटे दुकानदार हैं जो गलियों में घूम के सामान बेचते हैं, आजकल देखा है लॉकडाउन में कितने ही वेंडर्स जो सब्जी वाले हैं आपके घर तक सामान लेकर आ रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को कहाँ से खरीद रहे हैं, मंडी से, होलसेल मार्केट से, एंड देन सेल देम इन देयर शॉप्स एंड ऑन मोबाइल कार्ट्स। और उसके बाद वो अपनी दुकानों पे, जैसे करियाने वाला है जहाँ से आप ग्रोसरी का सामान लाते हो, वो शॉप में बेचते हैं, और कुछ लोग लोकल एरियाज में मोबाइल कार्ट्स, मतलब जैसे रेडी वगैरह होती है जिसको वो अपने आप खींच के लेके जा सकते हैं, उसमें ये सामान रखकर बेचते हैं। सो वी बाय फूड फ्रॉम दीज स्मॉल रिटेल शॉप्स और सेलर्स। दिस इज हाउ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द फार्मर्स टू द होलसेल मार्केट एंड फ्रॉम देयर टू अस। बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ page 29, I am going to start. We know that food is essential for all living beings. Plants prepare their own food, but human beings and animals get their food from different sources. Food goes on a long journey before it reaches our table at home. Foods like fruits, vegetables, cereals, pulses, oil seeds and spices are grown by farmers in their fields. Farmers work very hard for growing these food crops. Different crops grow well in different seasons. They also take different periods of time to get ripe. Accordingly, the farmer prepares the soil by plowing the fields. He uses a plow to dig furrows in which seeds are sown. Often, animals are used to pull the plow. Today, farmers use tractors to plow their fields. After the soil is prepared, seeds are put in the furrows. It is known as sowing of seeds. For proper development of crops, water is supplied to the fields from wells and tube wells. This is known as irrigation.
Some unwanted plants also grow along with the crop plants. These unwanted plants are called weeds. They absorb nutrients and water from the field and thus affect the growth of crop plants. To protect the crop plants, the weeds are destroyed by picking them up from the field. This is known as weeding. To protect the crops from insects, birds and animals, farmers spray pesticides and insecticides. To make the soil rich in minerals, they add manure and fertilizers to the soil. When the crop ripens, the farmer reaps, which is called harvesting, and sells them in the wholesale markets. Food grains, vegetables, fruits, spices, etc. are sold in different wholesale markets called mandis. Small shopkeepers and vendors buy food items from the mandis and then sell them in their shops and on mobile carts in their local areas. We buy food from these small retail shops or seller. This is how food travels from the farmers to the wholesale market and from there to us. This is your homework. Write new words in EVS notebook and read page 29 and 30 of EVS book. Thank you, beta. Stay home, stay safe. God bless you all.